वाटर इमर्शन मॉडल इन नेफ्रोलॉजी, ये भी आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब प्रूफ्स हैं कि किडनी फेल ठीक हो सकता है। अब किडनी में प्रॉब्लम कितनी तरह की होती है, एक होती है पॉलीसिस्टिक किडनी, मतलब किडनी के ऊपर छोटे छोटे फोड़े या सिस्ट जैसे फोड़े हो जाते हैं, किडनी के क्रॉनिक फेलियर ठीक होता है, ये भी एक रिसर्च पेपर है। ये अलग रिसर्च पेपर है, वाटर इमर्शन मॉडल इन नेफ्रोलॉजी, ये भी आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। तो मेरे सामने आप नोटिस करो, एक ये इस तरह से सिर नीचे है पांव ऊपर है, जिसको बोलते हैं हेड डाउन टिल्ट। आप इसमें हमारे पेशेंट्स की वीडियो भी देख सकते हो कि सिर नीचे करके पेशेंट पैर ऊपर करके लेटे हुए हैं, जिसको हेड डाउन टिल्ट बोलते हैं, और ये 10 डिग्री का कोण होता है। ये किडनी पेशेंट, लीवर पेशेंट को हम करवाते हैं। इसका पर्पस क्या है, तो इस पर रिसर्च हो चुकी है, जर्नल छप चुका है कि हेड डाउन टिल्ट करने से आपकी किडनी की आउटपुट बढ़ती है, यूरिन निकलना बढ़ता है, पसीना निकलना बढ़ता है, अंगों की कार्य क्षमता बढ़ती है। ये रिसर्च पेपर दिखा रहा हूं आपको। लैंसेट क्या कह रहा है कि ये हमारे बॉडी के अंदर की फिल्ट्रेशन को ठीक करता है। अब किडनी में प्रॉब्लम कितनी तरह की होती है, एक होती है पॉलीसिस्टिक किडनी, मतलब किडनी के ऊपर छोटे छोटे फोड़े या सिस्ट जैसे फोड़े हो जाते हैं। एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है, यूरिन में पेशाब आना शुरू हो जाता है। एक होती है आईजी नेफ्रोपैथी, एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर, एक होता है सीकेडी क्रोनिक किडनी फेलियर, इसके अलावा किडनी में पथरी की वजह से होता है, और एक होता है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। तो ये किडनी के बीमारियों के नाम है, तो आप नामों से मत घबराओ। किडनी की बीमारी कैसी भी हो, हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में और पूरे भारत में जहां जहां हमारे हिम्स हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो, खाने पीने में परहेज करने पे पूरा जोर दो, हम ठीक करेंगे। इस हॉट वाटर इमर्शन, जिसको बोलते हैं 40 डिग्री पानी टेम्परेचर में गर्म करके ऐसे बैठना, आप यहाँ पे पेशेंट जो टब्स में बैठे हैं उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। इस तरह पानी को गले तक रख के इसमें बैठना होता है, और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री रखना होता है। और इसके ऊपर रिसर्च पेपर है, वो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये किडनी इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर छपा है, जो बोल रहा है कि किडनी रिवाइव हो सकती है, रीग्रो कर सकती है, और मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ साथ साथ में। ये देखो, एक और बच्चा है गुरसेवक सिंह, ये रिपोर्ट है मेरे हाथ में, 18 साल का बच्चा है, जब ये हमारे हॉस्पिटल में आया था व्हील चेयर पे आया था, यानी कि चल भी नहीं सकता था, व्हील चेयर का मतलब समझते हो, पेशेंट चलने की कंडीशन में भी था। ये इसकी पुरानी रिपोर्ट है, ये इसकी नई रिपोर्ट है, दोनों का कंपेरिजन लिखा हुआ है। गुरसेवक सिंह उम्र 18 साल, पहली रिपोर्ट है 27 नवंबर 2021 की, जो कि कह रही है किडनी 8.9%, यानी कि लगभग 9% किडनी काम कर रही है। और फिर रिपोर्ट है 21 फरवरी 2022 की, इसकी किडनी 9 से सीधा 18% पर काम करने लग गई, व्हीलचेयर भी छूट गई, डायलिसिस भी बंद हो गया, और इस पेशेंट ने अपना फिस्टूला भी निकलवा दिया। तो ये सबूत ही है, और मैं आप कहां से आपके लिए क्या लाऊं, आप भी खुद समझदार हो। एक है हेड डाउन टिल्ट, मैंने आपको इसके रिसर्च पेपर दिखा दिए, एक मैंने दिखा दिया आपको ये वाला कि कहते हॉट वाटर इमर्शन। इसके ऊपर हमारे हॉस्पिटल में भी श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी और दयानंद मेडिकल कॉलेज जलंधर ने भी एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी किया, 6 महीने तक 100 किडनी पेशेंट पे रिसर्च की गई। ये पूरी रिपोर्ट है इसके अंदर, ये नेट पे भी पड़ी है, हमारे जो संस्था के मेन है डॉक्टर विष्णु राय चौधरी, उनकी वेबसाइट पे भी ये रिसर्च पेपर पढ़ा है, और एक किताब भी छाप चुका है इसके ऊपर, एंड ऑफ ट्रांसप्लांटम, वो भी आप किताब हमारी वेबसाइट से देख सकते हो। तो ये जो रिसर्च पेपर है, ये क्या कह रहा है कि 75% लोगों का डायलिसिस बंद हो गया, जिनको मतलब जरूरत नहीं पड़ी उनको। इसके अलावा और दिखा देता हूं रिसर्च पेपर, हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि पानी के टब से किडनी के क्रॉनिक फेलियर ठीक होता है, ये भी रिसर्च पेपर है। ये अलग रिसर्च पेपर है, वाटर इमर्शन मॉडल इन नेफ्रोलॉजी, ये भी आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब प्रूफ्स हैं कि किडनी फेल ठीक हो सकता है। मैं आपको एक, आपने बोला सारे पेशेंट मैंने जवान जवान दिखाए, तो मैं आपको एक 63 साल के बुजुर्ग रविंदर सिंह की रिपोर्ट दिखाता हूं। इनकी पहली जो हमारे पास, इनका जो पहला हमने DTPA स्कैन करवाया, जिसमें इनकी किडनी 13% काम कर रही है, ये देखो 13.3% काम कर रही है किडनी इनकी, और ये इनका डेट है 20 जनवरी की रिपोर्ट है, ये 63 साल की है।
फिर दूसरी रिपोर्ट आई इनकी 26 मार्च की, जिसमें कर्दी किडनी अपने आप को ले गई 18.5% पे। ये 26 मार्च की रिपोर्ट है, 18.5% हो गई। फिर इनकी तीसरी रिपोर्ट है 25 मई की, जिसमें किडनी कर रही है 20.5% काम, यानी कि हर रिपोर्ट के साथ किडनी अपने आप को ग्रो कर रही है। ये सबूत है। ये सब कैसे संभव हो रहा है, ये हो कैसे पा रहा है, तो इसमें हम सारा का सारा सहारा ले रहे हैं आयुर्वेद का। आयुर्वेद वेद का मतलब वेदों का सहारा ले रहे हैं। हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद वेदों का ही हिस्सा है, तो वेदों से अगर कोई पैथी ठीक करती हो तो आप सोचो उससे अच्छी कोई पैथी हो सकती है।